तो पीयूष को यहाँ पे बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी का सीन ऐसा, अभी हम जा रहे हैं अम्मा की बहन के पास, उनका घर यहीं है हल्द्वानी में। तो उनके घर में कोई प्रोग्राम है, तो उन्होंने बुलाया था, तो अम्मा कह रही चलो 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 चलो, फिलहाल चलते हैं, सभी के सभी रेडी हो चुके हैं, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट लेने के लिए जाना है। और गाइज, कल हमको गांव भी जाना है, तो उसके लिए शॉपिंग भी करनी है, कुनाले के लिए कुछ टॉयज वगैरह लेने और कुछ खाने पीने का सामान भी लेना है। हॉस्पिटल तो पहुंच चुके हैं, मम्मी और अम्मा अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और अभी हम बाहर आ गए। आज कुछ खाने नहीं जाएंगे, बिकॉज रोज रोज बाहर का खाना ठीक नहीं है यार। ये तो जा सकते हैं टाइम पास करने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन आज नहीं जाएंगे, आज कंट्रोल कर रहे हैं हम दोनों। तो अभी हम ऐसे ही नैनीताल रोड पे डोल रहे हैं, भाई दो प्लेट बना देना। तो गाइज, अभी हम यहाँ से जा रहे थे और हमारी नज़र पड़ी एकदम से यहाँ पे छोले कुलचों पे, और हमसे रहा नहीं गया और हमको रुकना पड़ा, और फिर बस अब मैंने बोल दिया इनको भाई बना दो। हमने सोचा कि नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी गाड़ी में बैठ खा लेंगे, ठीक है। तो गाइज, क्या करें, हमसे रहा ही नहीं गया और हमने ले लिए दो प्लेट, अब गाड़ी में बैठ के मस्त खाएंगे। इसको देख के जो मुँह में पानी आ रहा है ना भाई, सुन, गिरने नीचे, गाड़ी धुला रखी है मैंने। ये देखो खाने का तरीका, इस तरह से दो टिश्यू रख लो यहाँ पे, अगर गिरे भी तो टिश्यू के ऊपर गिरे। फिर अपन छोले यहाँ रख देते हैं ऐसे, और भटूरे यहाँ रख देते हैं ऐसे, अच्छा हाँ कुलचे ऐसे रख देते हैं, सॉरी। ये तो भाई पेलने में लगा हुआ अपना मस्त। अब जाते हैं वापस मम्मी जी के पास, मम्मी जी को लेते हैं और फिर चलते हैं अम्मा की बहन के पास। तो भैया, इस मम्मी का ट्रीटमेंट हो चुका है और अभी हम आए हैं कुछ मिठाई विठाई लेने के लिए। तो भैया, मिठाई विठाई ले ली हमने, और कॉफी भी ले ली है स्टारबक्स वाली, और कुनाली के लिए ये बताने क्या ले लिया। अरे मेरी कौन सी है, अरे मेरी कौन सी है भाई, कहाँ लगानी पड़ी गाड़ी, पार्किंग ही नहीं मिलती यार। तो इतनी मुश्किल से यहाँ पे पार्किंग मिली, अब चलते हैं, पता नहीं कहाँ पे घर, पापा को भी पता घर कहाँ पे है। तो गाइस, हमको जाना है उस वाले घर में, वहाँ पे टेंट लगा हुआ है ना। चलो 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 चलो, बच्चे पहले आ गए यहाँ। हाय हाय हाय, तो अभी गाइस मेरे को ऊपर आना पड़ा, बिकॉज नीचे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर बच्चे आ गए थे, तो उनके हाथ में फोटोज वगैरह ली। नहीं मत खोलो, सब ऊपर ही आ जाएंगे, फिर वही हो जाएगा। खोल दो, बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे दिल के सच्चे। तो पीयूष को यहाँ पे बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। आप सबने गाना सुना? तो एक्चुअली इन दोनों का जनेऊ था, तो उसकी पार्टी थी आज, तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया उनके वहाँ, मैं तो मतलब जानता भी नहीं इनको, लेकिन हाँ आप जान गया, मतलब हमारे रिलेटिव ही हैं सारे के सारे, और बाकी पड़ोस के भी हैं, सब जोशी हैं। सब जोशी हैं। तो अब फिलहाल चलते हैं, जब से आया हूँ तब से फोटोज ही क्लिक कराने हैं, अभी भी फोटोज ही क्लिक करा रहे हैं। तो भी गाइस, फिलहाल एक रूम पे आ गए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। एक्चुअली फोटोज क्लिक करवा के ना मैं थक गया था, लेकिन अच्छा लगता है बच्चे से मिलके। तो फिलहाल खाना पीना खाएंगे, तो यहीं मंगा लिया, यहीं पे खा लेंगे। वैसे यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, देखो ये मस्त टेंट लगा हुआ है, लेकिन टेंट में खा नहीं सकते सबके साथ में, लेकिन मुझे पसंद है टेंट में खाना सबके साथ में, लेकिन खा नहीं सकते। एक्चुअली ना लाइफ चेंज हो गई है, मतलब पहले की तरह नहीं है। पहले आप व्लॉग में देखते हो कि मैं कहीं भी घूमता, पब्लिकली घूम रहे हैं, कहीं भी जाए कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं पहले की तरह पब्लिक में घूम ही नहीं सकता हूँ, व्लॉग बना नहीं सकता पहले की तरह, तो पहले की तरह इसलिए नहीं आते व्लॉग। मैं भी बहुत मिस करता हूँ सब चीज़ों को, लेकिन क्या करें। तो इस बात को आपको भी समझना चाहिए, अब जो लाइफ में हो रहा है, जिस तरह से अब लाइफ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हाँ, पहले की तरह तो ऑब्वियसली नहीं होगी, सब्सक्राइबर की तरह लोग जानते हैं, 1 करोड़ लोग जानते हैं, तो पहले की तरह तो लाइफ है नहीं। तो हाँ, अब जैसी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पहले की तरह ही रहूँ, और मैं रहता भी हूँ, बट हाँ फिर भी चलो। तो अभी फिलहाल खाना आ गया है, रोटी पूरी पनीर और दाल, थोड़ा सा खाऊंगा मैं, बिकॉज छोले कुलचे खा लिए थे ना, लेकिन फिर भी ये प्रसाद है तो खाना जरूरी है। तो गाइस, ये हैं अम्मा की बहन, तो अम्मा आपकी बहन से मिला दिया मैंने आपको। तो अभी सभी के सभी यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, मम्मी जी वहाँ बैठी है, सारे अपने अपने रिश्तेदारी निकाल रहे हैं हमारे साथ, बता रहे हैं मुझे हाँ वही बता रहे हैं। चलो फिलहाल खाना पीना तो हो चुका है, अब चलते हैं, पीयूष और मैं तो घर चलते हैं, बाकी मम्मी पापा और अम्मा तो यहीं रहेंगे थोड़ी देर। ये बच्चे मुझे लग रहा है आज पूरा घर तक छोड़ के आएंगे। तो भी गाइस, पीयूष और मैं तो घर पहुंच गए हैं। तो गाइस, अभी का सीन ऐसा है, कल हमको जाना है गांव, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है, एक तो पैकिंग करनी है और सामान लेना है। सबसे मेन तो मम्मी जी को उल्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 7-8 घंटे का ट्रेवल है, तो मम्मी जी को दिक्कत हो जाती है यार गाड़ी में। तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी जी के लिए पहले तो उल्टी की गोली लेके आएंगे, च्युइंगम लेके आएंगे, जो भी हो सकता है वो सब करेंगे ताकि मम्मी को उल्टी ना हो कल, और साथ में रास्ते में खाने पीने के लिए सामान ले लेंगे, और कुनाली के लिए भी कुछ सामान ले लेंगे, चॉकलेट्स वगैरह। तो चलो अभी चलते हैं और सामान लेके आते हैं। पीयूषी, तेरे को बैकअप करना पड़ेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं 10 दिन के लिए गांव जा रहे हैं, तो इसकी चैनल पे वीडियो कैसे आएगी?
मैं हूँ ना अभी बनाता हूँ अभी ये तो तीन चार वीडियो बना ले। ये यहाँ से उठते मैं यहाँ पर बैठता हूँ रात को सोने के टाइम उठूं। पीयूष के चैनल में मैं अल्टरनेट डे वीडियो डालता हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के वीडियो डाल ही रहा हूँ मैं पीयूष के चैनल पे भी, सही है। और अब की बार हम ओरियो को भी लेके जा रहे हैं तो इसके लिए भी खाने पीने का डेंटिस्टिक वगैरह सब सामान ले आएंगे। तो अभी अपने को लेना क्या क्या है वो बता। मेरे को लेनी है लस्सी, भुजिया कुछ। ये तो मेरा फेवरेट है। कुनाली क्या खाता है, कुनाली के लिए क्या लेगा? हमारा प्लान है अब की बार जंगल में जाके कुकिंग करने का, वहीं पे मतलब खाना बना के जंगल में ही मतलब टेंट वेंट करने का। बना के सकते हैं मैगी। हाँ मैगी वैगी बनाएंगे तो वही थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं, देखते हैं। ओट्स भी बना सकते हैं, मैगी ओट्स इस तरह की चीजें बना सकते हैं। तो चीजें पानी में डाल के उबालनी होगी। तो गाइस इतना कुछ सामान हमने ले लिया है भैया के वहाँ से, थैंक यू सो मच। हमने पूरे 10 दिन का सामान ले लिया, अब 10 दिन तक खाते रहेंगे, एक एक पैकेट दो दो पैकेट। गांव में ना शॉप भी काफी दूर दूर है तो काफी दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए यहीं से ले लिया। अब एडिटिंग के टाइम भी एक दो पैकेट एक पैकेट का भी खा लिया, कुछ खाते रहेंगे बस ऐसे। तो अभी गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं मम्मी पापा और अम्मा को लेने के लिए, वो फ्री हो चुके हैं तो उनको ले आते हैं घर और फिर पैकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी कल के लिए। मैं तो गाँव जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज वहाँ पे चाचा चाची है, कुनाली है, तो मजा आता है सबके साथ, पूरी फैमिली मिल जाएगी ना तो और मजा आएगा। यही तो समस्या है, मम्मी को चढ़ने में दिक्कत होती है। ऊंचा है ना ये। कैसा लगा आज उनके घर? बल आज सारे बच्चों की तमन्ना पूरी हो गई बल। अच्छा, वो ज्यादा खुशी हो गई बल, हमको सारे बच्चे मिल गए। मैं तो मिल ही नहीं पाया किसी से। चलो अब घर चलना है ना। हाँ, चलो। उनके लिए रास्ता इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से। अब मेरे साथ आगे बैठना, हाँ मैं गारंटी देता हूँ आपको उल्टी होगी नहीं। 7-8 घंटे का ट्रेवल है, मैं आपको बिल्कुल भी उल्टी नहीं, गारंटी दे रहा हूँ, आपको एक बूंद उल्टी नहीं होगी। अम्मा और मम्मी को थार से उतरने में बहुत दिक्कत होती है, आप इनोवा में चला करो ना, इनोवा नीचे है ना। तो भी साहिल भी आ चुका है, पता नहीं साहिल आजकल कहाँ रहता है, दिन भर रहता ही नहीं घर में, अब जाके दिख रहा है ये भी। तो ये बना रहे आटा नूडल और मम्मी बना रहे चाय सबके लिए। सही है पीयूष ने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, और करेगा क्या? मेरा तो पता क्या चल रहा है, देखो मैंने इसकी बार से डाल दी थी, एक वीडियो इसमें रिकॉर्ड करी, फिर एक इसमें करी। अच्छा कपड़े चेंज करके रिकॉर्ड कर रहा है, वाह। फिर तीनों में वीडियो लगेगा ना, और लाता हूँ भी कपड़े। वह वैसे कपड़े चेंज करता नहीं है, वीडियो के लिए कपड़े चेंज कर रहा है। फिलहाल मैं तो बस एडिटिंग कर रहा हूँ। तो मम्मी जी खाना भी ले आई है, आलू गोभी दाल एंड रोटी, तो ये भी खाते हैं। तो फिलहाल पैकिंग स्टार्ट करते हैं बिकॉज गाँव में तो बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो मुझे सारे गर्म कपड़े ले जाने पड़ेंगे अपने। तो हमारा 10 दिन रहने का प्लान है, तो हाँ कपड़े लेके चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से लेके जाऊंगा। तो पैकिंग कर लेता हूँ क्योंकि सुबह सुबह हमारा 6-7 बजे निकलने का प्लान है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं जीन्स बहुत कम डालता हूँ, मैं लोअर में रहता हूँ, कहीं ट्रैवल करता हूँ फिर कहीं भी ज़्यादातर मैं आपको 95% लोअर में दिखूंगा बिकॉज मेरे को पसंद है। देखते हैं क्या क्या लेके जाऊंगा सारा। ये सारे कपड़े वो हैं जो मैं पिछले 10 दिनों में डाल चुका हूँ, मतलब एक एक बार डाल चुका हूँ, तो इनको तय करते हैं, धोए नहीं है, एक बार में नहीं धोता मैं। तभी गाइज मैंने कपड़े तो पैक कर लिए हैं, अब बारी है कैमरा गियर्स की। तो हाँ मेरे पास ये कैमरा है, ड्रोन है, 360 है और इनकी चार्जेस बैटरी सब कुछ है, तो हाँ ये पैक करना है अब। तो हमेशा मेरे 3 बैग होते हैं, एक तो कपड़े वाला, एक लैपटॉप वाला चार्जर वगैरह डालता हूँ और एक कैमरे वाला। तो कैमरे का तो मेरे पास 2 लेंस हैं, तो कैमरा इतना भारी हो जाता है ट्राइपॉड वगैरह लगा के। और एक लेंस मैंने नया मंगाया था जो कि आप देख रहे हो आजकल, आप क्वालिटी इंप्रूव देख रहे हो ना, तो ये लेंस मैं लगा रहा हूँ कभी कभी, इससे मस्त ब्लर आता है तो देखते हो। तो ये वाला मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये जी मास्टर लेंस मैंने मंगाया था सोनी से। 3 की जगह मेरे 4 बैग हो गए, एक ड्रोन वाला भी तो है छोटा सा। तो हाँ पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट, लैपटॉप वगैरह तो अभी डालेंगे, अभी एडिटिंग करनी है थोड़ी, उसके बाद डाल दूंगा। फिर मुझे लग रहा है कि एक दो चीज़ें छूटी जाती हैं यार हमेशा, लेकिन पूरे रूम की बैंड बच गई है, यहाँ भी ये देखो सारा सामान बिखरा सब हो गया पूरा। तो बस अब रूम को ही ठीक करना पड़ेगा, अब यही सब करके फिर मैं सो जाऊंगा सारी प्रिपरेशन करके, फिर सुबह हम निकल लेंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में देखना आप। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, और काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कैसा हो रहा है? बहुत मस्त हो रहा है ना, चलो चलो कोई बात नहीं, सॉरी मांग लेंगे, सॉरी क्या मांगेंगे, कभी कभी चलता है।